एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं लता बहन जी से, जो कि पिछले 9 सालों से यहाँ आश्रम में रह रही हैं। उनकी गुरुदेव के प्रति भक्ति देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। चलो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आपको पंकज आर्य का नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार जी। आपसे मेरा पहला प्रश्न है, आपको गुरु महाराज जी का प्रथम दर्शन कहाँ हुआ था? मुझे गुरु जी का प्रथम दर्शन मुरादाबाद में हुआ था जी। और आपको नामदान कब हुआ था? मुझे नामदान हुआ था दिसंबर 1999 में जी, मुरादाबाद के सत्संग में हुआ था जी। जी, आपने अपना घर छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? देखिए, मुझे बचपन से ईश्वर से बहुत लगाव था और मैं अक्सर सोचती थी कि पता नहीं ईश्वर कब कहाँ कैसे मिलेंगे जी। और फिर जब गुरुजी से दीक्षा मिली और सांसारिक जीवन जीते हुए एक बार ऐसा महसूस किया कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो हमेशा इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी आपका साथ दे सके, सिवाय एक सच्चे सद्गुरु के। जब इतनी बात समझ में आ गई, फिर यही निर्णय लिया कि क्यों ना अपना जीवन गुरु चरणों में अर्पित किया जाए, अपना जीवन परमेश्वर की राह में लगाया जाए। इसलिए मैंने अपने घर छोड़ने का निर्णय लिया। क्या आप यहाँ आश्रम में संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल जी। मेरा आपसे अगला प्रश्न है, आपके दो पुत्र हैं और आप साध्वी भी हैं, क्या आपको अपने पुत्रों की चिंता नहीं रहती? बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि मैंने अपना जो अपना जीवन और अपने जो बच्चों का जो जीवन अर्पण किया है वो किसी साधारण इंसान को नहीं किया, बल्कि जिनको मैं तीन लोक का स्वामी समझती हूँ, हमारे सच्चे सद्गुरु हैं, उनके चरणों में अर्पित किया है। और उसके बाद में तो कोई चिंता की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमसे ज़्यादा ख्याल वो मेरा और हमारे बच्चों का गुरुजी ही रखते हैं जी। आपका प्रातःकाल किस प्रकार होता है, यानी आप प्रातःकाल में क्या क्या करती हैं? जी, हमारा प्रातःकाल जो है वो 1:30 बजे से शुरू होता है सुबह को जी। और उसके में हम लोग हाथ धोकर 2 बजे की आराधना करते हैं, उसके बाद थोड़ा ध्यान सुमरण करते हैं जी। 3 से 4 के बीच में थोड़ा सा कुछ काम हुआ तो वो कर लिया, या कोई मैगजीन वगैरह की पढ़ लिया। और उसके बाद में 4 बजे हम लोग नीचे किचन में जाते हैं, वहाँ पे नाश्ते के लिए सेवा में चले जाते हैं। वहाँ से 5 बजे मैं आती हूँ, 5 बजे की आराधना के बाद में अपना नाश्ता करके मैं सीधे जोत पर चली जाती हूँ, वहाँ पर जोत की दरबार की सफाई में के लिए चली जाती हूँ। आप दरबार की सफाई साज सज्जा का बहुत ध्यान रखती हैं, गुरु महाराज जी इस विषय में आपके अच्छे खासे प्रशंसक हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, ये तो गुरु जी की ही मेहर है, और गुरु जी जो प्रशंसा करते हैं वो उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है जो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। और मैं तो इतना जानती हूँ कि उनकी मेहर के बगैर कोई काम नहीं हो पाता जी। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी की मेहर से मुझे ये सेवा का अवसर प्राप्त जी। कुछ साधना में दिव्य अनुभव आपको हुए हैं तो कृपया हमसे वे अनुभव शेयर करें जी। जब मैंने नामदान दिया था तो उसके कुछ टाइम बाद जब मैं रात को सो रही थी तो अचानक सोते सोते मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि कमरे के अंदर बहुत तेज धूप आ रही है, रोशनदान से साफ। तो जैसे मेरी आँख खुली और फिर मैं हड़बड़ा के एकदम, मेरे को लगा कि हे भगवान, आज तो हमारा और बच्चों का स्कूल गया, दोपहर हो गई। और मैं जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोला कि अब तो दोपहर हो गई, उठ जाएं। जब जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर बिल्कुल अंधेरा था जी। फिर मैंने वापस घड़ी में देखा, मैंने कहा टाइम क्या हुआ है, तो देखा रात के 12:30 बजे थे जी। जी, तो ये मेरे को पहला दर्शन था जो मेरे को प्रकाश के रूप में दिखाई दिया। आप स्कूल में इंग्लिश के लेक्चरर हैं, आपके इंग्लिश के ज्ञान की हमने बहुत चर्चा सुनी है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में तो मैं यही कहूँगी कि इंग्लिश जो था वो बचपन से ही मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है जी। और बहुत ज़्यादा क्रेजी होती थी मैं इसको सीखने के लिए। और हमारे घर के आसपास एंग्लो इंडियन और ऑस्ट्रेलियंस वगैरह रहते थे, उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली थी जी। लेकिन मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी की मेहर से मुझे हमारे जो वेद हैं उनको ट्रांसलेट करने का, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी तरफ से आप कुछ और बताएं? जी हाँ बिल्कुल, गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद में मेरा और मेरा बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल सेफ था और मैं बिल्कुल संतुष्ट थी।
लेकिन जैसे कि मेरे पापा और मम्मी बहुत पूजा करते थे घर में, दोनों टाइम सुबह शाम उनकी पूजा आराधना जो होती थी वो अपने आप ही चलती थी, कृष्ण महाराज जी उनके इष्ट थे जी। तो मेरे को मन में हमेशा यही रहता था कि मेरा तो गुरुजी, मेरा तो जो है गुरुजी मिल गए, लेकिन मेरे मम्मी पापा को गुरुजी नहीं मिले तो उनका क्या हुआ होगा। और स्पेशली पापा के बारे में ज़्यादा रहती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर से अटैच थे। तो एक दिन मैंने सपने में देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं और मेरे पापा ने गुरुजी के गले में इस तरह से हाथ डाले हुए हैं और हंस रहे हैं मेरे को देख के, कहते हैं लता देखो ये मेरे पापा हैं। अच्छा। हाँ, तो उसको देख के मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा असीम शांति प्राप्त हुई और मैं हमेशा गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम सबको तो अपने चरणों में रखा ही है, मेरे मम्मी पापा को भी अपनी सेवा में लगा लिया है। कई यात्राओं में आप गुरु महाराज जी के साथ रही हैं, किसी यात्रा के विशेष स्मरण आप हमें सुनाइए। जी बिल्कुल, वैसे तो हर यात्रा के अपने अनुभव होते हैं, लेकिन बद्रीनाथ की यात्रा हुई थी हमारे यहाँ 2013 की बात है, मई 2013 लगभग 7 साल पहले। हाँ जी, तो उस समय विश्वानी देव छोटे थे मेरा बेटा, और वो सब लोगों ने अपनी सीटें बुक करा ली थी और ये मेरे से कह रहे थे कि मम्मी आपने सीट नहीं बुक कराई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हर यात्रा में जाना जरूरी नहीं होता। और 20 तारीख की सुबह को 4 बजे यहाँ से यात्रा निकल ली थी, अचानक 2 बजे की आराधना करने के बाद में मेरे माइंड में ऐसे ही आया कि हे परमेश्वर काश मैं भी चलती, बस इतना सा माइंड में ही आया था क्योंकि मुझे बच्चे को देख के लगा कि काश मैं चली जाती। लेकिन मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ तैयारी नहीं थी। अचानक रुड़की की संगत भी सब लोग जाने के लिए यहाँ पे बाहर से लोग आए हुए थे, 4 बसें जा रही थी उस समय, तभी रुड़की से भावना जी हैं हमारी, तो वो अचानक मेरे पास आई, वो कहने लगी कि एक सीट खाली हो गई है, मतलब ये कोई जा रही थी सत्संगी बहन हमारी, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी जगह सीट खाली हो गई है और हम लता को ले चलेंगे। तो जब उन्होंने मुझे बताया मैं बोली अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कहा मैंने तो गुरु जी से आज्ञा नहीं ली और ना ही मेरी कोई प्रिपरेशन है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम करा देते हैं जो भी काम है, और भावना जी बोली कि उसकी चिंता मत करिए, गुरु जी से आज्ञा हम ले लेंगे। तो जल्दी जल्दी वॉशिंग मशीन में कपड़े उपड़े धोए, तैयारी करी और चले गए हम लोग वहाँ पे। जब हम 22 तारीख को वसुधारा अलकापुरी में पहुँचे, इतना सुंदर सारे सीन थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बर्फ़ बिछ रही थी पहाड़ों पे भी, नदियों में भी बर्फ़ थी। और शाम की आराधना के बाद में जब मैं आरती करने के लिए, गुरुजी की आरती करने का मेरे को बहुत शौक़ था, और मैं जब खड़ी हुई करने को तो मेरे मन में ख्याल आया कि काश ये वक्त यहीं ठहर जाता। तभी गुरुजी ने एकदम धनपति देवता जी को इशारा किया कि आप ये जो है इसकी वीडियो बनाइए। जी जी। तो धनपति देवता जी उठे और उन्होंने वो उस समय की जो आरती का जो था वो वीडियो शूट की जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें आया था पूरी वीडियो में, तो मैं उसको कई बार देखती थी, मतलब कि गुरुजी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परमात्मा से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मन में आने की देर है और वो हमारी हर बात को समझते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। गुरुदेव के ज्ञान वचन या कुछ 2 पंक्तियाँ आप हमें सुना दीजिए। हाँ जी, गुरुजी के प्रति हमेशा मैंने ईश्वर ही देखा है, उन्हें परमेश्वर ही है मेरे लिए वो। जी जी। और हमेशा मेरे दिल में उनके लिए 1-2 लाइनें, जब भी मैं दरबार में जाती हूँ और जब मैं मतलब वहाँ की सफाई वगैरह करती हूँ तो मेरे मन में आता है, वो लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। सुनाइए। सत्य गुरु स्वर्ग के फूलों से मैं तेरा श्रृंगार करूं, 3 लोक की संपदा तेरे चरणों पे वार दूं। सत्य गुरु स्वर्ग के फूलों से मैं तेरा श्रृंगार करूं, 3 लोक की संपदा तेरे चरणों पे वार दूं। बहुत ही बढ़िया, आपसे मैं बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।